नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके द्वारा नेताजी से संबंधित सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग के लिए जाने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार चुनाव और दादरी को दो अलग अलग घटना बताते हुए कहा कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। ईरान की जेल में बीते दो वर्षों से बंद 9 भारतीय युवकों को विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को लंदन की पत्रिका इमर्जिंग मार्केट्स की ओर से फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को तलाक कानून में संशोधन का प्रस्ताव 3 सप्ताह में पेश करने का निर्देश भी दिया है। नामचीन पंजाबी लेखिका और पद्मश्री दिलीप कौर तिवाना ने मंगलवार को देश में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार तथा 1984 में सिखों पर हुए अत्याचार के विरोध में अपना पद्मश्री अवार्ड वापस लौटा दिया है। वहीं एक कन्नड़ लेखक ने भी देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिया है। अत्याचार हो रहे हैं बहुत देर से हो रहे हैं, अब वक्त आ गया के जो सोचने वाले लोग हैं समझ उनको इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने साहित्य सम्मान लौटाने वाले लेखकों की मंशा पर सवाल उठाए हैं। महेश शर्मा ने कहा कि सम्मान लौटाना बात रखने का सही तरीका नहीं। अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि वो अपना विरोध प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के गृहमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को करें, देश के गृहमंत्री को करें, देश के प्रधानमंत्री को लिखें कि हम चिंतित हैं। वहीं साहित्य पुरस्कार लौटाने पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के बयान पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कहा कि उनको इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। शर्मा कौन होते हैं भाई, ये महेश शर्मा कौन है? महेश शर्मा को क्या लेना देना, लिखना नहीं लिखना, लिखना छोड़ देना ये हमारी मर्जी है। अगर हम महेश शर्मा से बोलें कि आप नेतागिरी छोड़ दीजिए, हम महेश शर्मा से बोल दें कि आप खुशामद छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री की, हम बोल दें कि आप मंत्रालय छोड़ के चले जाइए, क्या वो छोड़ देंगे? साहित्य अकादमी मुद्दे पर प्रशांत भूषण ने महेश शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास किस तरह का अनकल्चर्ड कल्चर मिनिस्टर है। मछुआरे वाले मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। जयललिता ने पीएम मोदी को लिखा कि श्रीलंका में कैद भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। 6000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एजीएम और फॉरेक्स ब्रांच हेड को दिल्ली में गिरफ्तार किया। ईडी ने दिल्ली में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई और ईडी ने बैंक ऑफ बड़ौदा अशोक विहार ब्रांच और बैंक के 2 सस्पेंडेड ऑफिसरों के घर पर सामूहिक रूप से जांच की। आजम खान ने संगीत सोम पर निशाना साधते हुए कहा कि संगीत सोम का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उनके खून में बीफ है या नहीं। मोची जूता बनाए, जूता बनाकर पहने, दर्जी कपड़ा सिए, कपड़ा सीकर पहने, हलवाई मिठाई बनाए, अपनी बनाई मिठाई खाए, दूध बेचने वाला दूध पकाए, खुद दूध पिए, इसलिए गोश्त बेचने वाला गोश्त नहीं खाएगा, ये बात समझ में नहीं आती। संगीत सोम का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि उनके खून में बीफ है या नहीं। नालंदा के बिहार शरीफ में अजय देवगन की रैली में हंगामा हुआ। देवगन को देखने के लिए उमड़ी भीड़ ने जमकर बवाल काटा। भीड़ को उग्र होता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए और अजय देवगन को रैली में शामिल हुए बगैर वापस लौटना पड़ा। गया में मंगलवार को एक चुनावी भाषण के दौरान वहां कम लोगों की भीड़ देखकर लालू प्रसाद यादव ने अपना आपा खो दिया और वो भड़क गए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए की लहर नहीं आंधी चल रही है। बिहार चुनाव के दौरान जीतनराम मांझी ने कहा कि हमने मोदी जी से कह दिया है कि हम स्वयं पद के उम्मीदवार नहीं। बिहार के नोखा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर हमला बोला।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में रैली में कहा कि बटन ऐसे दबाएं कि बटन राजपुर में दबे और करंट जाकर राहुल गांधी के ननिहाल इटली में जाकर लगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कस्तूरी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मजबूत सुरक्षा प्रदान की। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम राष्ट्रभक्त हैं, ये हमारा गुनाह है क्या? हमने पाकिस्तानियों के खिलाफ काम करके गुनाह किया है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला हर कार्यकर्ता सिपाही के समान है और शिव सैनिक भी सिपाही है। कसूरी की बुकलांस को लेकर विरोध और सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोते जाने के मामले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में दोबारा ऐसी घटना ना हो। सामना में छपे लेख पर सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा कि मैं एजेंट जरूर हूं लेकिन पाकिस्तान का नहीं, मैं भारत पाकिस्तान और दक्षिण एशिया में शांति का दूत हूं। शिवसेना ने और तेज किया सुधींद्र कुलकर्णी पर हमला। शिवसेना ने सामना में कुलकर्णी को कसाब के बराबर बताया। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुंबई में सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही पोतने के मामले की कड़ी निंदा की है। बीजेपी और शिवसेना में तकरार बढ़ गई है, बात अब गठबंधन तक जा पहुंची है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना के कई नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नाराज हैं। केंद्र सरकार ने टाडा के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक सिख आतंकवादी को माफी दे दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वरयाम सिंह को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने कहा कि दादरी जैसी छोटी घटना को हैंडल करने में हमारा देश सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरताज अजीज जैसो की हमें सलाह की जरूरत नहीं है। दादरी जैसी छोटी घटना के बारे में देश के तांत्रिक मामले में हमारा देश बड़ा सक्षम है इसमें इस प्रकार की घटनाओं को हैंडल करने के लिए, और निश्चित रूप से जैसे पुलिस काम कर रही है या हमारे देश के जिस प्रकार से हुआ है इसमें बाहर के किसी भी विदेशी नेता की हमको जो है कोई भी सलाह की जरूरत नहीं। नई दिल्ली में IAF के कमांडरों के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मीटिंग। FTII चेयरमैन गजेंद्र चौहान ने कहा कि FTII स्टूडेंट्स को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूं कि सरकार के साथ मुलाकात में कोई ठोस हल निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जांच कराने वाले गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। महात्मा गांधी हत्या के लिए RSS पर दोष लगाने के मामले में अपने खिलाफ मानहानि का केस खत्म करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पर 4 हफ्तों के लिए टली सुनवाई। पाक PM नवाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत के दौरान पाक और भारत के बीच अवरुद्ध बातचीत का मुद्दा उठाएंगे। प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने यह जानकारी दी है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जगमोहन रेड्डी को 6 दिनों के उपवास के बाद गुंटूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। भोपाल में एक फ्लाईओवर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नवरात्र के मद्देनजर वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आय से अधिक संपत्ति मामले में लखनऊ में निलंबित IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर के घर विजिलेंस विभाग की टीम ने छापा मारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षकों की तमाम मांगों को लेकर AMU में स्टाफ क्लब के सामने VC लॉज के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बदायूं के जनपद जरीफ नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टवेरा ने एक बाइक को टक्कर मार दी जिसमें बाइक से चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश में बीजेपी को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब अकबरपुर से BSP के पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और उनकी पत्नी प्रतिभा शुक्ला जो कि BSP से विधायक रही दोनों ने बीजेपी का दामन थामने का ऐलान कर दिया। जालौन में BSP समर्थित प्रत्याशी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की आपस में वोटर लिस्ट को लेकर टूटू मैं हो गई।
बरेली में 9 सितंबर को शहीद हुए दारोगा मनोज मिश्रा की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। खीरी थाना क्षेत्र स्थित दारोगा के पैतृक गांव हरदासपुर में मां पंचायत हुई, इसमें शहीद दारोगा के परिजनों के अलावा बड़ी कई गांव के लोगों ने शिरकत की। वाराणसी में अनोखी पहल करते हुए गरीबों के लिए अनाज बैंक खुला है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को महज 5 रुपए के हिसाब से अनाज मिलेगा। नवरात्र की पूजा अर्चना कर नुमाइश खेत मैदान से पूरे नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा नगर के महत्वपूर्ण मार्ग से निकालकर जय माता दी के जयकारों के साथ गूंज उठा। सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत को 15 अक्टूबर को केदारनाथ धाम का दौरा करेंगे, जहां वो कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने अंधेर गर्ती मचवाते हुए उत्तरकाशी के विकास भवन कैंपस के अंदर अवैध खोखों को बिजली कनेक्शन देने में लगा हुआ है। इलाहाबाद के हंडिया थाने के अमोरा गांव में हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब दो बीडीसी प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए, दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बागपत में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के दौरान एक मतदान स्थल पर बूथ कैप्चरिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। घटना बड़ौत ब्लॉक के हिलवाड़ी गांव की है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कई जगह हंगामेदार रहा। मामला मैनपुरी से है, जहां के बेवर ब्लॉक के ग्राम मासूमपुर गुटारा में ग्रामीणों ने अपने ही गांव की पोलिंग बूथ लूट ली। फरुखाबाद राजीपुर ब्लॉक के हमीरपुर सोमवंशी मतदान केंद्र पर तैनात दरोगा के गांव के एक दुकानदार की पिटाई करने पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। कुशीनगर में मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ, बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कौशाम्बी जिले के कोकराज थाना के संदीपन घाट पर गंगा नहाने गए 3 युवक डूब गए। गहरे पानी में एक को बचाने के चक्कर में तीनों डूब गए। तीनों लड़कों के गंगा में डूबने की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गाड़ी की धुलाई करते समय प्रेशर टैंक फट गया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन लगातार जारी है। आगरा के खंडारी कैंपस स्थित सरकारी आवास को खाली कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर सूर सदन चौराहे पर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में डेंगू ने जमकर कहर बरपाया है। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली के बस अड्डा चौकी पर सीज की गई गाड़ियों में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। पीलीभीत के मझोला नगर में धड़ल्ले से बेची जा रही एक्सपायर और नशीली दवाइयों का भंडाफोड़ हो गया। विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर से दवाइयों को सील किया। बढ़ती महंगाई और आसमान छूती दाल की कीमतों के विरोध में इंटक कार्यकर्ताओं ने वृंदावन में प्रदर्शन किया। कानपुर के नवस्था थाना क्षेत्र के मछरिया इलाके में बीते 8 तारीख को नमस्ते इंडिया दूध कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूट के मामले में नवस्था पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इटावा के रहने वाले एक युवती को आगरा के सिकंदरा के रहने वाले युवक पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे प्रेम विवाह भी कर लिया। जब पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसे दर दर के ठोकरे खाने के लिए घर से निकाल दिया। आगरा पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने एक बेगुनाह को ऐसी यातनाएं दी जिसकी बांधी खुद पीड़ित के जख्म कह रहे हैं। अब तक तो डेंगू और वायरल के चलते लोग अस्पताल का रुख कर रहे थे। अस्पतालों में लोगों की भीड़ ऐसी थी कि बेड तक कम होती जा रही थी, लेकिन फतेहपुर में तो डेंगू की दहशत कुछ इस तरह फैली कि लोगों ने अपने घरों तक को छोड़ दिया। ललितपुर में बस में हाईटेंशन करंट उतरने से करीब एक दर्जन यात्री झुलस गए। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान इटावा विधानसभा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने वोट दिया। शामली में पंचायत चुनाव में दबंगई देखने को मिली, मामला कैलाना ब्लॉक के भूरा गांव का है। मतदान के दौरान प्रत्याशियों के एजेंटों ने कब्जा कर लिया। कुशीनगर जिले के 3 विकास प्रखंडों में हो रहे पंचायत चुनावों का जायजा लेने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर निकली डीएम और एसपी को भारी अव्यवस्था देखने को मिली। रायबरेली में पंचायत चुनाव के दौरान खुलेआम दबंगई देखने को मिली, जहां दबंगों ने एसपी कार्यालय के सामने फायरिंग की। सरकार से बिल्डरों के लिए सही माहौल और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देशभर के बिल्डर हड़ताल पर हैं। मुरादाबाद के थाना खटिया घर इलाके के करूला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब परचून के दुकानदार की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिरोजाबाद में जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के लुटेरों एक गैंग का भंडाफोड़ किया। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में 3 बच्चियां गहरे पानी में डूब गई। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 पर बन रहे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया, ब्रिज के मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। मथुरा की सड़कों पर ट्रैक्टर चालक जानलेवा स्टंट दिखा रहे हैं, ना तो इन्हें अपनी जान की परवाह, ना ही के सबूत रहे। फिरोजाबाद में कुएं में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई, मामला थाना नारगी के कुतुबपुर गांव का है।
गोरखपुर से 18 किलोमीटर दूर जंगल कौड़िया स्थित माँ दुर्गा के मशहूर मंदिर पर नवरात्र को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। झांसी में एक मुस्लिम परिवार बचपन से भगवान की मूर्तियां बनाकर अपना जीवन यापन करता है। मेरठ के बाद संप्रेक्षण गृह से एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगाकर चारबंदी फरार हो गए। फैजाबाद में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर सत्ता का हनक इस कदर सवार है कि वह खुलेआम पंचायत प्रत्याशी के परिजनों को असलाह दिखाकर धमकी दे रहे हैं। पंचायत चुनावों में सत्ताधारी नेताओं का रसूख भी सिर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला एटा से है, जहां एटा के अलीगंज से सपा विधायक रामेश्वर यादव के भतीजे और जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के बेटे पुष्पेंद्र यादव ने खाकी की गरिमा को ही तार तार कर दिया। भदोही कोतवाली के मोड़ चौकी में ज्वेलरी की दुकान में चोरी कर रहे बदमाशों को पकड़ने गए हेड कांस्टेबल पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। राज्य पुलिस अब पहले से और हाईटेक हो गई है। देहरादून पुलिस इजरायली X95 राइफल से लैस हो गई है। सीआरपीएफ दिल्ली की मदद से राज्य पुलिस को 12 राइफल्स की पहली खेप मिल गई। 9 नवंबर को उत्तराखंड को राज्य बने 15 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सूबे के श्रम सेवा योजन मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के हल्दू चौड़ इलाके के गोपीनगर में ओवरहेड टैंक और पेयजल लाइनों का शिलान्यास किया। हरिद्वार में होने जा रहे अर्धकुंभ के लिए सिंचाई विभाग ने निर्माण कार्य तेज कर दिए हैं। सिंचाई विभाग को हरिद्वार में अर्धकुंभ के लिए तमाम तरह के निर्माण कार्यों का जिम्मा दिया गया। डीएम महाविद्यालय के छात्र संघ का कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोल लगातार जारी है। इस दौरान कॉलेज के छात्रों ने डीएम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर प्राचार्य हटाओ कॉलेज बचाओ का नारा लगाकर नारेबाजी। मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री आनंद रावत डीबीएस पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग के सिलेबस में बदलाव की मांग को लेकर छात्रों और शिक्षकों से राय शुमारी। अल्पसंख्यक मंत्रालय की बैठक में शामिल होकर देहरादून पहुंचे कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बैठक में अपने द्वारा रखी गई मांगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र के अल्पसंख्यक मंत्रालय के सामने प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से मदद देने की मांग है। मध्य प्रदेश से उठी व्यापम घोटाले की आग की आंच अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। अब देवभूमि से भी व्यापम घोटाले के तार जुड़ते दिख रहे हैं। काशीपुर में व्यापम को लेकर मध्य प्रदेश एसटीएफ की टीम पहुंची, जहां शिकायतकर्ता के साथ काफी देर तक पूछताछ। सीएम हरीश रावत अब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दरअसल नीति आयोग के स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए सभी ग्रुप के सदस्य पीएम से बुधवार को उनकी सरकारी आवास पर पहुंचेंगे और अपनी रिपोर्ट पीएम को सौंपेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों कई जिलों के कमान प्रमोद आईएएस अधिकारियों के हाथ में है। उत्तर काशी हरिद्वार में प्रमोद की आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। अब तक बाबा रामदेव के खिलाफ खड़ी राज्य सरकार अब रामदेव पर कार्रवाई से बचने लगी है। केंद्र की तरफ से राज्य को रामदेव के पुत्र बीजक दवा मामले पर जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद विभागीय स्तर पर जांच पूरी हो गई। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी अपने विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर सख्त हो गए हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी ने विधानसभा में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। राजधानी में अपना आशियाना बनाने वाले के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल राज्य गठन के बाद पहली सबसे हाईटेक एमडीजे की आवास योजना को लॉन्च कर दिया गया है। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट हरवीर सिंह ने पॉलिथीन बिक्री और खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों के चलते दर्जनों दुकानों में छापेमारी की। सीएम हरीश रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। भारी तादाद में लोग सीएम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। देहरादून के डीएम ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को तेजी से काम करने के आदेश दिए हैं। बुधवार को देशभर के मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। राज्य के मेडिकल स्टोर संचालकों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार जहां पेड़ों को अधिक से अधिक लगाने का संदेश देकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमांत क्षेत्र खटीमा में नगर में खड़े हरे पेड़ों पर कुछ व्यापारी आरी चलाकर पर्यावरण को तार तार करने का काम कर रहे हैं। 14 नवंबर 2015 को शुरू होने वाले राज्य स्तरीय गौचर मेले की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी चमोली ने जिला सभागार गोपेश्वर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। चमोली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तुर्की पहुंचे विजिलेंस की टीम ने चकबंदी के लेखपाल को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। 2018 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने आयोजन से जुड़ी हाई कमेटी की बैठक ली और निर्माण कार्यों समेत डीपीआर की ताजा स्थिति की समीक्षा की।
पावन शारदीय नवरात्रि को लेकर राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। कन्याएं राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर पहुंची, यहां से जल लेकर वापस अपने अपने घरों की ओर रवाना। कटनी में लगातार बिगड़ती परिवहन व्यवस्था और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन और परिवहन विभाग ने कटनी में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। चुनाव के करीब आते ही कांग्रेस में सियासी असंतोष पर अपने लगाए। सीएम नेताओं पर भीतराघात का संदेह, क्या किया कि कांग्रेसी सीएम को ही आंख दिखाने लगे। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में विद्यालयी क्रीड़ा समारोह शुरू हो गया। 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और संसदीय सचिव मनोज तिवारी ने किया। बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी श्रीनगर पहुंचे, ऐलान कर दिया कि इस बार होने जा रही नई कार्यकारिणी सूची में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाएगा। 25 अक्टूबर से नैनीताल में कुमाऊं फूड फेस्टिवल मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर अनिल सिंघियाल ने बैठक ली। भारत सरकार राज्य के औषधि विभाग को हाईटेक करने की तैयारी कर रही है। 80 करोड़ की लागत से राज्य के ड्रग विभाग का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए पिथौरागढ़ महाविद्यालय के हिंदी प्रवक्ता अजय शुक्ल ने भी सम्मान लौटा दिया है। अजय शुक्ल का कहना है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों से काफी आहत है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिथौरागढ़ जिले के सस्ता गल्ला व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं। सस्ता गल्ला व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। कलियर में प्रेमी जोड़े की पिटाई मामले में पुलिस की नाकामी सामने आई। पूर्व प्रधान समेत 8 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। चकराता में दलितों के मंदिर प्रवेश को लेकर मचा बवाल, आखिरकार थमी गया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को गबोला मंदिर ले जाकर कृषि देवता के दर्शन कराए। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बसे जोशीमठ नगर को छोड़कर हेलंग मारवाड़ी बाईपास को लेकर नगरवासियों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों की माने तो अगर बाईपास बनता है तो जोशीमठ का अस्तित्व भी खतरे की जद में आ जाएगा। बड़कोट में अवैध जड़ी बूटी तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। मोदी के बाद बड़कोट में पुलिस ने 2 बोरे जड़ी बूटी के साथ एक वाहन को जब्त किया है। नवरात्र को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देवभूमि के मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना में जुटे हैं। नवरात्र के साथ ही रुद्रपुर में रामलीला भी शुरू हो गई है। शहर में बस अड्डे के पास होने वाली रामलीला शहर की प्राचीनतम रामलीला है। मसूर आसपास पहाड़ियों पर जमकर बारिश हो रही है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है, जिससे समय से पहले ही लोगों ने ठंड के कपड़े पहन लिए हैं। प्रेमनगरी मथुरा में एक मां अपने कलेजे के टुकड़ों को रोता बिलखता मंदिर के पास छोड़ गई। ये तो गनीमत रही कि इन मासूमों को अरोड़ा परिवार जैसे नेकदिल इंसान मिले जो इन मासूमों को अपने घर ले आए। मुरादाबाद में अपने मां बाप को तलाश रही गीता। गीता को बचपन में ही उसके पापा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के जयापुर गांव को गोद दिया। पीएम के ऐलान के बाद सरकारी और गैर सरकारी मशीनरियों ने 1 साल में पीएम के आदर्श गांव की तस्वीर ही बदल दी। लखीमपुर खीरी के नेशनल शूटर दिलीप चंदेल की संदिग्ध हालात में मौत से जिले में सनसनी फैल गई। यमुनोत्री धाम में पहली बार आम लोगों के साथ मिलकर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर एक दिन यमुना के नाम चलो यमुनोत्री धाम के तहत सफाई महोत्सव आयोजित किया गया। हरदोई के पुलिस कप्तान पुलिस बल के साथ अवैध शराब बनाने की कुख्यात गांव में पहुंचे, जहां मौके पर पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब और घर घर के अंदर शराब बनाने की 1000 लीटर लेहन बरामद हुई। वाराणसी की रोनिया थाना पुलिस ने जहर खुरानी कर लोगों को लूटने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सैसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोडा पोस्ट तस्करी के एक मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ट्रैकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने जंगल में 2 घंटे के सर्च अभियान के बाद पुलिस को कार बरामद की। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी लखीमपुर मार्ग पर तेज रफ्तार कोयला से भरे ट्रक ने बेकाबू होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार दीपू और अर्जुन नामक 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। फेसबुक का क्रेज अब शासन प्रशासन में खूब देखा जाने लगा है। इसी के तहत सीएम हरीश रावत ने जन समस्याओं पर सीधे फेसबुक के जरिए लोगों से बात की। न्यूजीलैंड में सिद्धार्थ जमीन से 152 मीटर की ऊंचाई पर स्काई वॉक किया तो उन्हें अक्षय कुमार की याद आ गई। दोनों ने ब्रदर्स में साथ काम किया था।
पायल रोहतगी और संग्राम नवंबर में शादी करने वाले थे, लेकिन अब दोनों की शादी एक बार फिर से टलती हुई नजर आ रही है। अब जल्दी टीवी पर अडल्ट फिल्में भी देखी जा सकेंगी, हालांकि टीवी पर प्रसारित किए जाने से पहले इनमें जरूरी कांटछांट कर ली जाएगी। खबरों के अनुसार फिनाले के लिए रिहर्सल करते वक्त रेमो को चोट लग गई है। खबर के मुताबिक रेमो फिनाले के लिए डांसर धर्मेश और धर्मेंद्र के साथ एक सोलो परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रहे थे। कुंकड़ा सेन शर्मा की फिल्म नयनतारा नेकलेस आने वाली है। 20 मिनट की फिल्म थ्रिलर फिल्म है जो कि इस महीने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। खबर है कि संजय दत्त के जेल से बाहर आने का सबसे ज्यादा इंतजार सुभाष कई को है। घई ने संजय दत्त को लेकर खलनायक नामक सुपरहिट फिल्म बनाई थी। ऐश्वर्या राय बच्चन मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई। ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी मौजूद थी। डॉन सीरीज की तीसरी फिल्म के कलाकारों के फेरबदल हो सकते हैं। सुनी मैं कि प्रियंका चोपड़ा फिल्म का हिस्सा नहीं होगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग पूरी करने के बाद अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भावुक हो गई। शाहिद कपूर की शादी के बाद से ही मीरा राजपूत की एक्टिंग करने की खबर है, लेकिन अब शाहिद कपूर ने इस पर विराम लगा दिया है। मीरा की एक्टिंग पर शाहिद ने कहा कि मीरा कभी एक्टिंग नहीं करेंगे। राजपाल यादव फिल्मों में एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बतौर कलाकार एक कॉमेडी एक्टर की इस पहचान से वे इत्तेफाक नहीं रखते। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म शानदार में एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलेगी। दरअसल फिल्म में जितने भी गाने हैं वो रात में फिल्माए गए हैं। फिल्म की कहानी भी दो ऐसे इंसानों की है जिन्हें रात में नींद नहीं आती है। बॉलीवुड में पिछले दिनों एक खबर आ रही थी कि सोनू निगम और सलमान खान के बीच मनमुटाव चल रहा है। सोनू निगम ने ट्विटर के जरिए सोमवार को इस बात का खंडन किया। विशाल भारद्वाज रंगून कब रिलीज करेंगे इसका खुलासा उन्होंने कर दिया है। रंगून के लिए विशाल ने अपनी लकी डेट का सिलेक्शन किया है।